हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याल सबसे शॉर्ट। ख्याल सबसे शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो ये वीडियो बनाई गई है, स्पेशली बनाई गई है फॉर द यूपी ट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट 2019 और कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 वाले बच्चों के लिए, जिनकी टाइपिंग डेट्स आपको बता दी गई थी कुछ दिन पहले। ठीक है, अब देखो बात यह है कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उसके बाद से जब तक टाइपिंग की डेट नहीं मिल जाती है तब तक बच्चे जो है, फैक्ट यही है कि यार टाइपिंग करना कोई शुरू नहीं करता। ठीक है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि टाइपिंग करना शुरू कर दिए होंगे अपना रिजल्ट देख करके। कुछ ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार लॉकडाउन खत्म होने दो, जब डेट आएगी तो करेंगे हम, तो ये हो जाती है गड़बड़। यहाँ पे तो गड़बड़ वाली बात ये है कि अभी तक आप लोगों ने टाइपिंग शुरू नहीं की है। ठीक है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, देखो एक्सेप्शन केस हर जगह होते हैं। कुछ लोगों ने टाइपिंग शुरू नहीं करी है और अभी उनको जब अचानक से डेट मिली है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि जूनियर असिस्टेंट 2019 की जो टाइपिंग स्टार्ट हो रही है 23rd ऑफ जून, ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की है 21 जून। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट की डेट है ये आपकी। टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए सभी को पता होगा, वो भी मेंशन है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। समस्या होती है कहाँ पे है, कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी चली जाती है, कुछ लोगों की हिंदी बहुत अच्छी चली जाती है। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में भी अभी क्या कर रहे होंगे, दोनों के लिए फाइट कर रहे होंगे, उनकी टाइपिंग की स्पीड अभी इतनी नहीं बनी होगी। कुछ तो बहुत ही बढ़िया वाले होंगे जो 40-50 एकदम पीट रहे होंगे बढ़िया से, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो अभी बात ये आ रही है कि कैसे करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि देखो टाइपिंग देने के लिए जो होता है, सबसे पहले तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि टाइपिंग देने सबकी घर पर स्पीड देखोगे ना तो आपकी भी स्पीड अच्छी आएगी। ठीक है, आप ही घर पर अच्छा कर लोगे, पर वहाँ जाने पे क्या होता है ना कि वहाँ जाने के बाद से जो अंदर मन में डर चलता रहता है, यार पता नहीं वहाँ कैसे कर पाएंगे, यार पता नहीं वहाँ हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक तो पीछे जो है आपके जो भी वहाँ पे रहते हैं लोग टाइपिंग दिलवाने के लिए, जो भी वहाँ की फैकल्टी होती है, जो भी वहाँ के एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, जो भी रहता है वहाँ पर, जो आपके पीछे वो घूमते रहते हैं, तब तो फिर और हालत ख़राब हो जाती है। मतलब कुल मिला करके कि पूरा आपका जो बर्डन होता है ना वो सब आप लेकर के वहाँ बैठ जाते हो। ठीक है, ये सब चीज़ों को दूर करने का भी तरीका आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है। फिलहाल तो ये चीज़ जो बिल्कुल भी टाइपिंग करना शुरू नहीं किया है वो ये डिसाइड कर ले उसे टाइपिंग करना किस पे है। ठीक है, किस फॉन्ट पे वो टाइपिंग करना चाहता है। तो स्टार्ट तो मेरे ख्याल से सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं कि इस पे रोका जाए, बिकॉज आपको पता है कि इसके बाद से इंटरव्यूज़ होने नहीं है। इसमें 2019 का ये पेपर था और इसमें जो है इंटरव्यूज़ थे नहीं, तो ये आपका लास्ट स्टेप है इसके लिए। और इसके लिए जो बच्चों को ये जॉब चाहिए उनके लिए तो ये मतलब गोल्डन कह सकते हो कि चांस है, अपॉर्चुनिटी है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं कि इसमें जो कीबोर्ड होगा वो किस तरह का होगा। तो देखो मेरे पास एक कीबोर्ड है K120। ठीक है, K120 दिख रहा होगा आप सभी को। ओके, इसकी प्रिंटिंग है MRP ₹795। मैं ये बता दूँ आपको कि आपको ऐसा ही कीबोर्ड वहाँ मिलेगा। ठीक है, बहुत ब्रांड में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक महीने की बात रह गई है अभी, और एक महीने के लिए इतना ब्रांड में लेकर करूँगी भी क्या। 795 प्रिंट है, बट ये आपको मार्केट में इजीली 450 से 500 के रेंज में मिल जाएगा बहुत ही आराम से। ठीक है, ये देखो ये है कीबोर्ड आपका, कीज़ वगैरह बकायदे आपको इस तरह ही चलेंगी। मैं ऐसे बता दूँ आपको, दो तरह के कीबोर्ड हैं। ठीक है, इस तरह के जो आपको दिया हुआ है ना, इस तरह का जो कीबोर्ड जो है ये आपको वहाँ मिलता है, इस तरह का कीबोर्ड। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी कंपनी का मिलेगा, ठीक है, लॉजिटेक का ही मिलेगा, ये नहीं है, ज़रूरी है, वहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है, बट ये सारी चीज़ें जो है एकदम ऐसे ही रहती हैं। एक चीज़ क्या होता है, बहुत सारे कीबोर्ड्स आप लोगों के पास भी होंगे, आप मैच करना, कुछ लोगों के पास जो कीबोर्ड होंगे उसमें जो ये वाला बटन होता है ना, ये वाला, कहीं कहीं पर ये वाला बटन जो है यहाँ ऊपर दिया होता है F12 के बगल में। ठीक है, और ये जो एंटर वाला बटन दिया होता है ये थोड़ा बड़ा दिया हुआ होता है और ये नीचे की साइड में दिया हुआ रहता है। तो उस तरह के कीबोर्ड्स तो नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे इस तरह के कीबोर्ड का, ये जो आप फार्मा देख रहे हो, ये तरह के कीबोर्ड्स जो हैं मिलते हैं, मैंने भी नोटिस किया है कई बार। और ऐसे कीबोर्ड अगर आपके पास हैं तो प्रैक्टिस करने में आसानी होती है, बिकॉज आपको पता होगा कि यहाँ वाला जो ये वाला है ना, जब आप हिंदी कैरेक्टर टाइप करते हो तो फिर आपको जो है दिक्कत होने लगती है। हिंदी कैरेक्टर में होता क्या है कि जैसे जो चीज़ आपका हाथ यहाँ पे अगर सेट है और वहाँ पे अगर आपको ये बटन यहाँ नहीं मिलता है तो आप लगते हो वहाँ पैनिक होने। ठीक है, ये बटन अगर यहाँ दिया हुआ है तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी कि ये गया कहाँ, और इतना समय होता ही नहीं है कि फिर वहाँ पे आप जो है
उस बटन को वहाँ पे खोजो, क्योंकि वहाँ पे सेकंड सेकंड मैटर करता है। तो इस तरह का कीबोर्ड आप देख सकते हो प्रोफानो, इस तरह का कीबोर्ड जो है वहाँ पे आपको चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, और इस तरह के कीबोर्ड को ही कोशिश करें कि आप ले लें, ठीक है, और इससे जो है अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करें। एक ही तो मैं बता दूँ, क्योंकि ऑनलाइन टाइपिंग की बात होती है, तो एक साइट है इंडिया टाइपिंग, ठीक है, ये जो है आपको फ्री मिल जाती है। आप गूगल सर्च करेंगे तो इंडिया टाइपिंग से आपको उस पर हिंदी इंग्लिश जो है मिल जाते हैं टाइपिंग करने के लिए। तो उसी तरह का आपको जो है मटेरियल जो होता है, जो मैटर होता है टाइपिंग का, वो आपको दिया जाएगा। इसमें टफ से लेकर के बहुत ही अच्छी, मतलब ईजी लेवल से लेकर के टफ तक के सारे लेवल तक के टाइपिंग जो है आपको दिए रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें यहाँ से आराम से करनी होंगी। घर पर जितना ज़्यादा टाइपिंग कर सकते हो, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करना। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब टाइपिंग करना, तो पहले तो खुद से एकांत में करना शुरू करो, ठीक है, खूब अच्छे से टाइपिंग करो। कोशिश ये करो कि मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, कोशिश ये करना है कि मिस्टेक ना हो। पहले जो है खूब अच्छे से करो, एक एक चीज़ को देख के करो, अच्छे से करो, ताकि गलतियाँ कम से कम आप करो, क्योंकि जितनी गलतियाँ होंगी फिर वहाँ पर एक्यूरेसी मिलती दिक्कत आएगी। बाकी बैक स्पेस के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो बैक स्पेस का यूज़ वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना भी क्या करना है कि बार बार लगे बैक स्पेस ही दबाने, तो वहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो कोशिश यही करना है कि वो ज़्यादा ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, बाकी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बाकी वो आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें बताने वाली है कि टाइपिंग स्पीड, आपको पता है कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि एक मिनट की जो स्पीड है इंग्लिश की वो 30 वर्ड्स होनी चाहिए। टाइम दिया जाता है आपको 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट दिया जाता है, दैट मीन्स आपको कितना टाइप करना होगा, 150 वर्ड्स टाइप करने होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हिंदी के लिए है, एक मिनट में 25 वर्ड्स आपको टाइप करने होते हैं, 5 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि इसमें 125 वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे। ये दोनों चीज़ ध्यान रख लेंगे एकदम से, कि इंग्लिश में 150 वर्ड्स होने चाहिए और हिंदी में होना चाहिए 125 वर्ड्स, ठीक है। ये 5-5 मिनट वाला है, बाकी अगर आप इसको निकालोगे इसका एवरेज, तो 5 मिनट में 125 वर्ड्स है तो 1 मिनट में 25 हो जाएगा, 5 मिनट में 150 है तो 1 मिनट में 30 वर्ड्स हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है, ठीक है, इतना आपको करना होता है, 25 वर्ड्स पर मिनट है तो 125 वर्ड्स आपको वहाँ लिखने होंगे, यानी टाइप करने होंगे। अब आती है बात कि वहाँ पे जाके कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको बहुत जगह वीडियोस में मिल जाएंगी, ठीक है। जो वहाँ पे अगर एक बार जो पहुँच जाएगा टाइपिंग देने, वो तो उसको उस सारी चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा, कि आपको बहुत साइन करवाया जाता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, ठीक है। मेन फोकस होना चाहिए कि हमें टाइपिंग क्लियर करना है। अब आती है बात कि जब टाइपिंग आप अपने घर पर कर रहे हो तो क्या करें। टाइपिंग जब आप अपने घर पर सीख रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आपको लगे कि हाँ अब आपसे टाइपिंग हो जा रही है, ठीक है, आप जो है 30 वर्ड्स भी अच्छे से क्रॉस कर ले रहे हो, बढ़िया से एकदम 25 भी क्रॉस कर ले रहे हो, तो कोशिश ये करना कि आपके घर में जो भी रहते हो, आपके गार्जियंस हो, पेरेंट्स हो, एक दो बार आपके पीछे खड़े हो जाएं जब आप टाइपिंग कर रहे हो, तो ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आपकी जो भटक होती है, जैसे इंसान नॉर्मली डर लगता है, डरने लगता है, नर्वस हो गया, तो उससे क्या होगा ना कि वो चीज़ आपको जो है नर्वस नहीं करेगी कि आपके पीछे कोई टहल रहा है। अधिकतर ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग जो होते हैं, जैसे खिड़की होती है वहाँ की, या फिर जो भी वहाँ रहते हैं लोग टाइपिंग टेस्ट दिलवाते हैं, वो आपके नॉर्मली पीछे कभी खड़े हो जाते हैं, बस आपकी उंगलियाँ जो होती हैं वहीं रुक जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फेस ना करें, इसके लिए जो है आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें कर लेनी है कि आपके पीछे जो है कोई रहे, जो भी आपके घर में गार्जियंस हो, भाई बहन हो, जो भी हैं, वो आपके पीछे आते जाते रहें, देखते रहें आपको, या फिर आपको ऐसा फील हो कि कोई पीछे से आपको देख रहा है टाइपिंग करते टाइम, तो उससे भी जो है आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगली बात हमारी ये होगी कि जैसे कि बहुत सारे लोग इसमें भी परेशान रहते हैं कि हमने 30 कर लिया, हमने 25 कर लिया है, अब इतने में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एकदम 30 ही क्यों सोच के जाना है। 30 करके अगर आप वहाँ आते हैं तो हमेशा ही परेशान रहेंगे कि यार पता नहीं मेरा क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 30 से ज़्यादा आपने कर लिया है तो फिर आप कन्फर्म रहते हैं, आपके पास कन्फर्मेशन रहती है कि हाँ आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मत सोचो कि 30 है तो हम 30 ही करेंगे, कोशिश करिए कि आप इससे ज़्यादा कर सके, करने वाले 50-60 भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है, एक महीना तो नहीं कहूँगी क्योंकि आपको डेट्स दिख रही होंगी, 23rd 21st चाहिए, तो लगभग 20-22 दिन का टाइम आपके पास है अच्छे से प्रैक्टिस करने का। अभी भी आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अच्छा सा कीबोर्ड लेके आइए घर पे और प्रैक्टिस करना शुरू करिए, रोज़ के रोज़ 6-7 घंटे प्रैक्टिस करेंगे आप, तो ये चीज़ें जो है आपसे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसमें कुछ चीज़ें और जो जानने वाली बात ये है आपकी कि जो आप लोग वहाँ जाते हो और कोई गलत वर्ड टाइप कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि गलत वर्ड टाइप कर दिया, तो अगर कोई बड़ा वर्ड है उसको टाइप कर ही दिया है अगर मान लो, और फिर आपको समझ में आ रहा है कि अरे यार पहले में ही गलती हो गया, पहला अल्फाबेट ही गलत लिख दिया है, दूसरा ही लिख दिया है, तो आप उसको बैक स्पेस से लगे दबानी, उसमें भी आपका टाइम कर होता है, ठीक है, उसमें भी आपका टाइम कर होता है। तो अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो बैक, तो तुरंत स्पेस दबा करके आप नेक्स्ट वर्ड को सही से टाइप करना शुरू करिए। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि गलतियाँ अगर हो रही हैं तो पहले तो अब ऐसा ही नहीं करना है। कुछ चीज़ें बताती हूँ जो रियलिटी होती है। होता क्या है कि वहाँ जाने के बाद से, वहाँ पर भी आप जाओगे तो आपको जो है कीबोर्ड्स जो मिलते हैं वो जो है, कई बार ऐसा होता है कि कीबोर्ड जो है नए मिल जाते हैं, नए मिल जाते हैं, तो देखो पुराना कीबोर्ड और नए कीबोर्ड में बहुत डिफरेंस होता है। मेरे पास खुद का है मेरा ये क्योंकि नया कीबोर्ड है, ठीक है, थोड़ा हार्ड चलता है, ठीक है, थोड़ा हार्ड चलता है, जब कोई चीज़ है बार बार आप उसको प्रेस करोगे तो ये लूज़ हो जाते हैं। अब जैसे लूज़ कीबोर्ड है आपके पास, तो आप जैसे ही कोई अल्फाबेट जो है इसे प्रेस करते हो तो वो तुरंत जो है टाइप हो जाता है, लेकिन हार्ड वाले में क्या होता है कि जब आप उसे टाइप करते हैं तो थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है, और आपकी हैबिट होती है जो यू मारने की उसे, वो होता क्या है कि कई बार बच्चों का एक्सपीरियंस भी है ये कि कई बार लोगों ने बताया कि हम वहाँ टाइप करते रहते हैं और टाइप कर रहे हैं, और अधिकतर क्या होता है कि जो लोग अभी नए होते हैं वो लगते हैं एकदम अपना कीबोर्ड देख के टाइप करें, और होता क्या है उस कंडीशन में कि जो चीज़ें लिखा रही होती है ना आपकी स्क्रीन पे वो गलत हो जाती है, और फिर जब आप अचानक से देखते हैं तो वो सब रेड 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 मालूम चलने लगता है, और वहाँ पे रेड हो जाएगा अगर गलती करेंगे आप, तो वहाँ पे रेड वो मार्क होता चला जाएगा, उससे मतलब भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कितनी गलतियाँ होनी चाहिए, इससे मतलब नहीं है। आपको अगर स्पीड कवर करना है, अगर आपने रेड रेड करके बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं, उसके बाद भी अगर आपके पास इतना है कि आप उसको मेंटेन करने जाते हैं आगे जा करके, और आपका 25 वर्ड पर मिनट हो जाता है, तो आप हिंदी क्वालिफाई कर लें। तो कुल मिला के अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको अपनी टाइपिंग जो है मेंटेन कर लेनी है, बहुत ही अच्छी कर लेनी है, और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस कभी लो ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस अगर लो हो जाएगा आपका तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, जो अधिकतर बच्चे जो टाइपिंग में फेल होते हैं ना, इसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि वो पैनिक कर जाते हैं वहाँ जा करके, और उन्हें जो है लगती है दिक्कत होने, घबराहट होने। मैंने कई लोगों को देखा भी है ऐसा कि वो लगते हैं वहाँ जाके घबराने, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, यार जो भी होगा वो होगा, जो भी होगा वो होगा, बिकॉज आप तो अपना बेस्ट दे रहे आए हो ना। अगर आपने घर पर इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी हो और वहाँ जाके सिर्फ 2 मिनट के खेल में, 5 मिनट के खेल में अगर आप सब कुछ गड़बड़ कर दोगे पैनिक होके, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तो वो याद रखें कि आपको अच्छे से टाइपिंग करनी है, फिलहाल पैनिक नहीं होना है। जितना दिन है 20 दिन है, 20 दिन जिस दिन लग के आप टाइपिंग कर लें, और इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकती हैं। मेरे इंस्टा आईडी पे आप मुझे जो है मैसेज भी कर सकते हैं, और आपकी जो क्वेरीज होंगी उनको यहाँ पे वापस से बताया जाएगा, और बीच बीच में भी जो है आपके लिए जो कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।